भैया सबने आराम से लगा लिया। इस सरकार की आखिरी बैठक की क्या हुआ, क्या रहा की टर्म किस टर्म की? आईडिया सरकार तो आगे भी हमारी आ रही है। हाँ, टर्म की आखिरी इसको स्पष्ट करते हैं। और सच में इस टर्म में पौने चार साल जो ऐतिहासिक काम किए, मुख्यमंत्री तो हमारे ऐतिहासिक हैं, इतने लंबे समय मध्य प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा, लेकिन जो ऐतिहासिक काम किए, क्योंकि वो संकट का काल था, कोरोना का काल था जब हम सरकार में आए, और जो मजदूरों की सेवा की, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने आज बैठक में बताया, और कोरोना के उस काल में ऑक्सीजन रेमडेसिविर की जिस तरह से व्यवस्था की गई, और वहाँ से चलते हुए सेवा के मार्ग पर जिस तरह से किसान कल्याण की योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं और लाडली बहना तक, आज जिक्र कन्यादान योजना का भी आया, बेटी बचाओ योजना का भी आया, आज ऋतिक लाडली लक्ष्मी का भी आया और लाडली बहना का भी आया। सच में जो नवाचार मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हुए, वो पूरे देश ने अंगीकार भी किए और स्वीकार भी किए, चाहे वो तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे वो संबल योजना हो, ऐसे नवाचार जो आए आज उनका भी जिक्र हुआ, और मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों का और मंत्रिमंडल ने सबने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। सर मतदान को लेकर भी फीडबैक लिया गया क्या, क्योंकि मतगणना होने वाली? नहीं, इस तरह की चर्चा नहीं आई अभी। अच्छी बात है, स्वागत है उनका, उनका स्वागत किया गया। सर आज एग्जिट पोल भी आने वाले हैं तमाम चैनलों के, शाम को 6 बजे। अच्छी बात है, पर मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एग्जैक्ट पोल सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 तारीख को बनने जा रही है। पर कोई आंकड़ा आपका जो आपको लग रहा हो कि इतनी सीट तो हम लाई रहे? 125 से 150 के बीच में हम लाई रहे। थैंक यू, बाकी तो फिर एक्स्ट्रा है।